हाय, माय नेम इज श्रद्धा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शुक्ला। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूरोजेनाइटल सिस्टम ऑफ द स्कॉलोडॉन। सो यूरोजेनाइटल सिस्टम यूरिनो मीन्स होता है। फर्स्ट वी विल ब्रेक द वर्ड। सो यूरिनोजेनाइटल, इसमें दो वर्ड्स मिलके बने हुए। यूरिनो मतलब यूरिन होता है, यूरिन का मतलब होता है एक्सक्रीटरी से मतलब है। यूरिन आप सब लोग जानते ही होंगे। सो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम से। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे और जेनाइटल का मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें। सो यूरिनो जेनाइटल सिस्टम में हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सो पहले हम सबके पार्ट्स देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट्स होते हैं, पहला तो पार्ट होता है किडनी, जो कि वन पेयर होती है, सब में होती है, हम सबको पता है। और किडनी में क्या होते हैं, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सो अब वेरी कर जाते हैं, किसी में कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसी में थोड़े सिंपल होते हैं। तो हम अब स्कॉलोडॉन की बात कर रहे हैं। स्कॉलोडॉन हमारी क्या होती है, डॉग फिश होती है। सो हम उसकी बात करेंगे। अब वन पेयर किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरेटर में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर के यूरेटर बनाते हैं। ये हमारी होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफ्रेंशिया, सेमाइनल वेसिकल और यूरोजेनाइटल पैपिला। सो और इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारा होता है क्लोइका। इसको मैंने इनलार्ज करके बनाया है, डायग्राम ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा, ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द स्कॉलोडॉन। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें कहाँ कहाँ होगा, ये हमारी दो पेयर किडनी है, ये दो पेयर किडनी है, इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। टू किडनी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में। एक तो एंटीरियर पार्ट होता है उसका और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। सो एंटीरियर पार्ट नॉन एक्सक्रीटरी होता है। नॉन एक्सक्रीटरी का मीन्स है ये जेनाइटल पार्ट से अटैच होता है, इसका कोई भी एक्सक्रीशन में योगदान नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इतना जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसमें कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ये लाइट ग्रीन कलर के, ये हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसमें किस तरह से देखिए, ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये एक यूरेटर होता है, ये सब मिलकर के ये यूरेटर का फॉर्मेशन करते हैं, ये यूरेटर बनाते हैं, ठीक है। ये यूरेटर है हमारा, यूरेटर जाकर के ये दोनों टू वन पेयर यूरेटर जाकर के सेपरेटली क्लोएका में ओपन हो जाते हैं, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल पैपिला बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं किसकी, ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। ये हमारा होता है रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड आपने अपनी पढ़ी होगी। सो रेक्टल ग्लैंड पे क्या होते हैं, टेस्टिस, ये टू वन पेयर टेस्टिस है, ये वन पेयर टेस्टिस है। मेल में जाहिर सी बात है टेस्टिस होंगे ही होंगे। सो वन पेयर टेस्टिस है। ये रेक्टल ग्लैंड से किससे, नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू से अटैच होते हैं। नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब कि इनमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ये बस अटैचमेंट का काम करते हैं। अब ये टेस्टिस जाकर के एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है, ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही है, ये वासा इफ्रेंशिया कहलाती है। बस ये इतनी ही वासा इफ्रेंशिया है। ये जाकर के आगे एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में क्वाइड फॉर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इस क्वाइड फॉर्म स्ट्रक्चर को, इतना जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म ट्रैवल करके इसका नाम तुरंत आकर के यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसको हम वोल्फियन डक्ट यहाँ बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। फिर ये वोल्फियन डक्ट आकर के एक लार्ज सेक्यूलर में सेमाइनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। सेमाइनल वेसिकल में आके स्पर्म क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब ये दोनों, जो काम उधर हो रहा है वही काम इधर भी होगा। ये सेमाइनल वेसिकल और ये सेमाइनल वेसिकल दोनों सेपरेटली आकर के क्लोइका में ओपन हो जाते हैं। इसको हम जेनाइटल पोर के थ्रू ओपन हो जाते हैं। ये होता है हमारा स्पर्म सैक, यहीं पर पाया जाता है। स्पर्म सैक का अभी भी कोई भी फंक्शन डिस्क्राइब नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई भी वर्क हमें पता नहीं है अभी तक। और ये सारे पोर्स, ये होता है हमारा रेक्टम। रेक्टम भी यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, रेक्टम भी ओपन होता है। फिर ये सब जाकर के एक कॉमन पोर से यूरिनो जेनाइटल पैपिला के थ्रू, कॉमन पोर के थ्रू बाहर को ओपन हो जाते हैं। फिर अब इसमें हमने ये
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसमें एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं। एसेसरी ऑर्गन मतलब कि हेल्पर ऑर्गन जो कि हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, एक तो क्लैस्पर होता है ये, और दूसरा ये क्या होता है साइफन, ये साइफन जो दिख रहा है आपको ये साइफन होता है, इसके जो पेल्विक रीजन है उसके बीनीथ प्रेजेंट होता है। अब क्लैस्पर कैसे हमारा कॉपुलेशन में, ये क्लैस्पर को हम इंटरमीटेड ऑर्गन भी बोलते हैं, इंटरमीटेड जो कि मतलब कि कॉपुलेशन में फीमेल के साथ हेल्प करता है। अब क्लैस्पर में एक ये देखिए कैविटी होती है, कैविटी ऊपर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हाइपोपाइल बोलते हैं, और नीचे की ओपनिंग को बोलते हैं एपोपाइल। अब जब इसके जो बीनी पेल्विक रीजन के बीनी जो साइफन प्रेजेंट होता है इसमें की दो सैक होते हैं, जब इसमें सी वाटर आकर के भर जाता है तो ये अंदर से ये हाइपोपाइल क्या होता है ये क्लोएका में ओपन होता है। ऐसे जब आकर के भर जाता है सी वाटर आकर साइफन के सैक्स में, तो ये सैक क्या करते हैं स्पर्म को फोर्स आउट करते हैं ताकि वो क्लैस्पर से निकल करके फीमेल क्लोएका में जाकर के एंटर कर जाए और फीमेल के जो ओवा हैं उनके साथ फ्यूज करके एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन कर ले। दैट्स ऑल अबाउट द यूटेरिन सिस्टम ऑफ द स्कॉलोडियम। थैंक यू गाइस।